and vibrant future. एक पहेली सी नटखटी सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी एक पहेली सी नटखटी सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी जिंदगी मुझे भी कोई इशरत जैसा हसीन मिले। जनाब वक्त निकालिए और देखिए कितनी निगाहें आपके तवज्जो की तलबगार हैं। ताश के खेल में तब तक मजा नहीं आता जब तक बाजी ना लगाई जाए। फौरन इशरत को मेरे घर रवाना कर दो। वो अब हफ्ते भर के लिए मेरे साथ ही रहेगा। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम कल ही मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं हीरो बनना चाहता हूँ। लालता से कहीं ज्यादा है। हट मैनी वन सैम। राज तुम यहाँ? हाँ चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि इशरत एक हफ्ते के लिए मेरे साथ ही रहेगा। नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं कुछ नहीं जानती। चलो इशरत। राज बेटा तुम कब आई? देखो ना इस शमशाद को क्या हो गया। इस मर्दुए के खातिर अपनी 6 साल की दोस्ती को तोड़ेगी। देखो ना नानी, देखिए ना ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी दोस्ती की चर्चा करती है और इसे हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं है। पर मैंने कब कहा ये मेरी सहेली नहीं है? भाई ये तुम दोनों का आपस का मामला है, दूसरों के सामने मत लाना। आपस में मिलकर हल कर लो ना। चलो अब अंदर जाकर बात करते हैं। चलो। हाँ चलो चलो। अच्छी सहेली हो क्या? एक अच्छी सहेली ऐसी हरकत करती है? इतनी जलील हरकत? तुम समझ नहीं रही हो, मुझे इशरत से मोहब्बत हो गई है। क्या करूं, दिल आ गया है उस पर। तो इसका मतलब है कि तुम उसको अपने ख्वाब का की जीनत बना लोगी? तो क्या हुआ, एक ही हफ्ते की तो बात है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम शराफत से इशरत को मेरे हवाले कर दो। पर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। देखो बेटी तुम मेरे बेटी की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला चाहूंगी और अपनी बेटी शमशाद का भी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस मर्दों में ऐसा क्या है जो दूसरे मर्दों में नहीं। अरे वही जान है, वही जिस्म है। कोई बड़ा एक्टर भी नहीं, किसी प्रोड्यूसर की औलाद भी नहीं, ना कोई रईस ज्यादा है ना नवाब ज्यादा है।
क्यों अपने कैरियर को दांव पर लगा रही हो? क्यों बदनामी मोल ले रही? देखो बेटा, मेरी बात मानो, खाक डालो उस पर और अपनी जिंदगी से उसे बाहर निकाल दो, खसखम जहां पा। मेरे बच्चे आज हाय, मैं कितनी बेशर्म हूँ, कितनी खुदगर्ज हूँ। ऐसा मत कह शमशाद। नहीं राज, मुझे कहने दो। मुझ जैसी सहेली को तो जान से मार देना चाहिए ताकि लोगों को इबरत मिले। नहीं सैम, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारी जान जाए ये मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इश्रत के बगैर रह सकती हूँ लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। राज, इश्रत तुम्हारा है, तुम उसे ले जाओ। नहीं नहीं सैम, इश्रत तुम्हारी अमानत है और तुम मेरी मोहब्बत। ये फैसला मैं करूंगी। फैसला? कैसा फैसला? कौन सा फैसला? कि इश्रत किसके पास रहेगा। बड़ी खुशी की बात है कि तुम इस काम में दिलचस्पी ले रही हो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये काम इतना आसान नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है सर? देखो रफिया, तुमने अभी तक जो काम किया है वो काम है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी अदाकारी, और जिसमें जल्दी तारीफ मिल जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे का काम उसे कौन देखता है, उसे कौन जानता है? जी सर। और सबसे पहला काम ये करो कि हमारी फिल्म तूफान की स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो और समझो, और सर, और सारे आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम्स की लिस्ट बनाओ। सब चेक करो कि कौन सा आर्टिस्ट कौन सी कॉस्ट्यूम पहनेगा, उनका पहनावा क्या होगा, रंग क्या होगा, वगैरह वगैरह। और वो लिस्ट सतपाल जी को दे दो। सतपाल जी कौन है? अरे जिनसे अभी मिली थी, हमारे प्रोड्यूसर है। खैर वो छोड़ो, मेरे साथ आओ। ये तुम्हारी सीट है, आज से तुम इसी पर बैठोगी और सारे काम यही करोगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम राजलता और शमशाद दोनों को अपना दीवाना बना लोगे। ऐसा क्या है तुम्हें? जरा हम भी तो देखें। सिट डार्लिंग। चलो ड्राइवर। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं ये हरगिज़ नहीं मान सकती कि तुम मुसीबत में फंसे हुए थे। तुम्हारे चेहरे की चमक तो कुछ और ही कह रही है। ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल भर चुका है मुझसे? और वो दूसरी औरत, तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना? अरे एक बार तो कहकर देखा होता। सर कैसा था? क्या नाम है आपका? घर वाले तो ऐसा नाम नहीं रखते। जी नहीं, ये मेरा फिल्मी नाम है। मेरा असली नाम विमला है। सर मुझे काम चाहिए। मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ, मकाल में अदा कर सकती हूँ, अदाकारी कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ। मैंने अपने बस 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 देखो, एक छोटा सा रोल है, 15 दिन का शूट है और 1,000 रुपये रोजाना तुम्हें मिलेंगे। जी मुझे मंजूर है। आप इन्हें अपना एड्रेस नोट करा दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। एडवांस? हाँ, इनसे 5,000 रुपये ले लीजिए और वाउचर साइन कर दीजिए। Thank you.
फरमाइए। मैं क्या फरमाऊ, आप फरमाइए कहाँ चलना। मतलब आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। रात को आप एड्रेस ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ जाएंगे। उस वक्त आपको एड्रेस ढूंढने में परेशानी होगी, इस वक्त मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए इस वक्त आप अपने घर जाइए। ओह तो आप कल आएंगे। न कल आऊंगा, ना परसों आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए और आपकी रकम आपको दे दी जाएगी। लेकिन देखिए हमारे यहाँ सब कुछ नहीं चलता है, आप अपने घर जाइए। आज मैं हर बात के लिए तैयार होकर आई थी। जिस जगह भी जाओ, जिससे भी बात करो, बस वही इशारे, आखिर में बस वही एक सवाल। मैं काम ढूंढते ढूंढते थक गई थी, 2 दिन से भूखी थी मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझे इस तरह से, मेरा मतलब है इस तरह से काम दे देंगे। देखिए मैं पहला शरीफ आदमी नहीं हूं, मुझसे पहले भी इस इंडस्ट्री में शरीफ लोग हैं हजारों की तादाद में, और मेरा यकीन कीजिए ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो आपको आपकी काबिलियत के दम पर काम देते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। का ऑर्डर कर दिया है, तुम तब तक हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो कौन? क्या मैं यही करने मुंबई आया था? घिन आ रही है मुझे खुद पर। मुझे खुद को संभालना हो। ओके ओके बाय। चलो उठो उठो, मेरा घर खाली करो, चले जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ? प्रकाश आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। लेकिन मैं कहां जाऊंगा? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी जाओ, जाओ यहाँ से, तुम बस जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या हो गया? अब कहाँ जाऊँगा मैं? हेलो राज, मैं बोल रहा हूँ, इशरत। क्या हुआ? मैं तुमसे मिलना चाहता था। क्यों? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो हुआ सो सही नहीं। नो नहीं, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं जानती, रंजना ने मुझे अपने घर रखने से मना कर दिया। तो राज मैं कहाँ जाऊँगा अब? जहन्नुम में। मेरा कोई कसूर नहीं है, ये शमशाद की नानी की साजिश थी।
मैं तुम्हें मिलकर बताना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है ना, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मुझे कुछ नहीं सुनना राज, और मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। राज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं नफरत। राज मैंने तुम्हारे लिए अपनों से ही बेवफाई की। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। तुम मुझसे इस तरह का सलूक नहीं कर सकती, तुम मुझे दरबदर नहीं कर सकती राज। You are a loser. क्या हम अंदर आ सकते हैं अक्रम साहब? अरे आओ आओ। अच्छा क्या तुम आ गई? आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज तुम्हें मिर्जा साहब से मिलाऊंगा, वो तुम्हारी मदद करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लो मिर्जा साहब भी आ गए। भाई आपने तो हमें काम पर लगा दिया है, इतनी जल्दी सारा बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल है। और आपने जो लोकेशन देखी है वहां पर हम 5 दिन ही शूट कर सकते हैं। आपका काम हो जाएगा ना तब तक? मिर्जा साहब मैं इस बारे में आपको बाद में सोच के बताता हूँ। इनसे मिलिए, रफिया नियाजी। हमारी फिल्म की हीरोइन। आदाब मोहतरमा। लेकिन जनाब इन्हें अदाकारी से ज्यादा फिल्म साजी में दिलचस्पी है। बहुत खूब। आपसे मिलिए मिर्जा साहब, आपको फिल्म साजी में बहुत तजुर्बा है, बल्कि ये कह लो कि माहिर है। और मिर्जा साहब ये बहुत मेहनती हैं, पुरजोश हैं और कुछ सीखना चाहती हैं, बस अपने असिस्टेंट बना लीजिए। जो हुकुम हुजूर। आइए मोहतरमा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ। अभी तक घर नहीं गई? सब लोग तो जा चुके हैं। जाना तो है मगर काम करते करते वक्त कब कट गया पता ही नहीं चला। घर की लिस्ट तैयार कर रही थी। अरे बाकी का काम कल कर लेना, घर जाओ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है सर, अम्मी जान को आदत हो गई है इंतजार करने की। अच्छा तुमने बताया कि तुम मैट्रिक तक पढ़ी हो, तुमने कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं की? 4 साल पहले अब्बू के इंतकाल के बाद भाईजान और बाजी एक हादसे में जा बाहक हो गए और अम्मी और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। जी तो चाहता था कि स्कूल में टीचर बन जाऊं, बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, कोशिश भी की पर नौकरी कहाँ मिलती है। इस दौरान मेरी सहेली रजिया मुझे इस तरफ ले आई, बस अब ये स्टूडियो है और हम। इस फिल्म इंडस्ट्री ने हमें रोटी दी, जब कहीं कुछ नहीं था तो हम यहीं से पैसा कमा के अपने घर वालों की परवरिश किया करते थे। अब तो ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तुम बहुत मेहनती हो, जो भी करती हो दिल लगा के करती हो। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन बहुत आगे जाओ। आप भी तो कितनी मेहनत करते हैं सर, दिन रात एक कर देते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक अच्छी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि एक दिन मैं अपनी पसंद की फिल्म बनाऊं और मेरी फिल्में औरतों को पेश आने वाले मिसाइल को उजागर करेगी इंशाल्लाह। अरे भाई हमें मत भूल जाना। अब जाओ घर जाके खाना खाकर सो जाओ, खाला को मेरा सलाम बोलना। ठीक तो हम चले। हाँ जाइए।
शब्बा खैर। शब्बा खैर। फैजल भाई, एक दिन की मोहलत दे दो और एक दिन। पिछले कई महीने से तू यही कहता आ रहा है, हाँ? अब पूरा नहीं सब कौन चुकाएगा? मैं दूंगा। तुझे 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो समझ लेना। हाँ भाई, मैं क्या करूँगा? हाँ। भाई वो पैकेट दे देना, तबीयत खराब हो रही है और जोड़ लेना उसको। सब पैसे दे दूंगा मैं कल तक, पाई पाई चुका दूंगा आपकी। नहीं दिया ना तो समझ लेना, मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, समझा दू। हाँ भाई, हाँ। और सुनियो, मेरे आदमी से ना तुम इससे बात कर। हाँ। होना दो। गलती हुई भाई, गलती। चलो मैं आता हूं। शबनम, चलो रिहर्स करते हैं, ये बहुत अहम सीन है। आप एक बार और सीन करके दिखाइए ना प्लीज। ठीक है, देखो जैसे जैसे गुलाब का फूल है और तुम्हें इसको ऐसे ऐसे सीधे नहीं देना है, उसको प्यार से पीछे से ऐसे निकालना है। धीरे धीरे निकालोगी और सोच रही हो उसको दूं या ना दूं, तुम्हारे हाथ ये कांप रहे हैं और उसको देते हुए अपनी लाइन बोलोगी, मोहब्बत पाक लफ्जों में जो भी है वो। अभी एक बार करके देखो, करो। सर, हाँ, सीन में रेड रोज लगेगा या वाइट? वाइट। और उसके कमरे में मुझे पुराने पोस्टर्स भी चाहिए। यार रुको, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने मुझे अभी तक पूरी एक्टिंग करके नहीं दिखाई है। देखो तुम अपनी तरफ से कोशिश करती रहो, मैं बीच बीच में तुम्हें गाइड करता रहूंगा। बीच बीच में क्यों, मुझे टुकड़ों में चीजें पसंद नहीं। हाँ, हम डायलॉग रिहर्स करते हैं। ठीक है, तुम रिहर्सल करो, मैं बाहर मॉनिटर पे देखता हूँ। ठीक है, पाक लफ्जों में बयां होती है ये मोहब्बत भी क्या बला होती है। जब तक ना हो तो हम सोचते क्यों नहीं, और जब होती है तो दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। छोड़ना, तू भी किस बात को लेकर बैठ गई? उसी बेवफा इश्शत की। मैंने सुना है राजलता ने उसे निकाल दिया है और आजकल वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ सेट पर आती है। मैंने भी कल उसे देखा, मुझे मालूम है कि तू उससे अभी भी बहुत मोहब्बत करती हो। तू उसे भूल नहीं सकी है ना? मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। यूं दिन रात इस कदर काम में डूबे रहने से तुम उसकी यादों को नहीं भुला सकती रफिया। आखिर उसमें ऐसी क्या बात है कि तुम उसे अभी भी इस कदर चाहती हो? मुझे शॉट रेडी करवाना, मैं जा रही हूं। ये चुन्नी है ना, थोड़ी सी ऐसे रहेगी। क्या बात है, आजकल दिल लगा के बड़ा काम कर रही हो। जब देखो अकरम साहब, अकरम साहब। अरे नहीं नहीं, बात यह है कि
अकरम साहब जो भी काम समझाते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाते हैं। हाँ, बहुत प्यार से। चल कर, मैं चलती हूँ। काम करोगे हमारे साथ? करूंगा ना सर। एक्शन। हीरोइन के करीब आओ। अब उसे किस करूं? लिप्स पे किस करूं? लिप्स पे। अरे बाबा, मैं अपनी जिस फिल्म में तुमको हीरो शूट कर रहा हूं, वो एक ब्लू फिल्म है। ब्लू फिल्म? मुझे किसी का इंतजार नहीं, ना ही कोई मेरा इंतजार करता है। रहम कर दे खुदा, रहम कर दे।